चार से अभी पांच मिनट बाद अभी माननीय बहुत वरिष्ठ नेता हमारे महामंत्री रहे, प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे खेमदास जी, हमारे महामंत्री कुलदीप जी, अब मैं सबका नाम लोगों को बहुत समय लगेगा, सभी मंचासीन बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता सब मेरे मार्गदर्शन रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर अपने राष्ट्र नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इतना महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। मित्रों, हम सब लोग जिस संगठन में सामूहिक कार्य की पद्धति है, आज इस दायित्व के बाद भी मैं जानता हूँ कि मेरे मार्गदर्शक इस हॉल में बैठे हैं, ज्योति जी मुझे बहुत पास से दिखाई दे रहे हैं, और अनेकों लोग हैं जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखना है। और मैं ये भी जानता हूँ कार्यकर्ता सीखने की स्थिति में होता है तो नेतृत्व उसको और सिखाने के लिए कोई ना कोई दायित्व देता है, तो मैं सीखने की स्थिति में हूँ, बहुत कुछ सीखना है, इस विश्वास के साथ कि आगामी दिनों में कार्यकर्ता उत्साहित हो, उत्साह भाव से काम करे, और आगामी दिनों में चाहे हरिद्वार का पंचायत चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, हम कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने का काम करेंगे। मेरा कोशिश रहेगी नेतृत्व में जो विश्वास मेरे प्रति रखा है उस विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा, उस दिशा में जो अपेक्षाएं संगठन की मुझसे हैं, कार्यकर्ताओं की मुझसे हैं, उन अपेक्षाओं को मैं धरातल उतारने का प्रयास करूंगा। आप सबका सहयोग, आप सबका सान्निध्य, मुख्यमंत्री पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से आभारी हूँ। सुबह ही वहाँ ऋषिकेश जी पहुँच गए थे पत्रकार भाई, तो मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। और ये भी बहुत बड़ा विषय है कि उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, हमारे सभी पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जितने हैं, इन सब के सहयोग से तो उत्तराखंड का एक मिथक तोड़ा है, हम लोग दोबारा सत्ता में आए हैं। ये इस राज्य का जो मिथक था कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, इसे सबके सहयोग से सब चीज़ें होती हैं। आज मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ सबसे छोटे होने के नाते भी सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद रहेगा, और भविष्य के अंदर जो अपेक्षाएँ हमारे संगठन की हैं उस अपेक्षाओं को हम खड़े उतरेंगे। मैं आज इस अवसर पर बहुत कुछ न कहते हुए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है और बहुत